कवि सुरेंद्र शर्मा हमेशा कहते हैं काव्य सम्मेलनों में कि चार लाइना सुना रहे हूं, और वो चार लाइन सुनने के बाद जो भी श्रोता होते हैं, जो भी प्रोग्राम के दर्शक होते हैं, बहुत खुलकर हंसते हैं, काफी खुश हो जाते हैं। आज मैं आपको चार लाइनें दिखा रहा हूं। इन चार लाइनों को देखने के बाद सारे संविदाकर्मी झूम उठेंगे और बहुत ही खुश हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना और ये चार लाइनों को भी इम्पोर्टेंट देनी है आपको, इम्पोर्टेंस देते हुए इसको वीडियो को देखना है, क्योंकि ये चार लाइनें काफी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए पहले ये लेटर देख लेते हैं जो संविदा कर्मियों के बारे में इशू हुआ है, और ये चार लाइनें काफी इम्पोर्टेंट है और क्या कह रही है। तो देखो, गिनती की चार ही लाइन है, 1, 2, 3 और 4, और ये लाइन जारी हुई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय की ओर से, यानी कि बात है राजस्थान की, और लेटर संख्या भी दे रखा है क्रमांक 5523 को जारी हुआ है शुद्धि पत्र। अब ये चार लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है संविदा कर्मियों के लिए। कौन से संविदा कर्मी, अब आप इसको पढ़ लीजिए और मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत संविदा नर्स नियुक्ति हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी सब संख्यक आदेश क्रमांक 5760 से 6203 दिनांक 28 अप्रैल 2023 के पैरा संख्या 02 में अंकित न्यू ही शी विल गेट रीम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 16,900, यानी कि 16,900 रुपए जो आपको मानदेय मिलता था नर्सिंग में, उसके स्थान पर जो अब आपको रिम्यूनरेशन यानी कि मानदेय मिलेगा वो मिलेगा 18,900 रुपए। 2,000 रुपए सीधे सीधे बढ़ा दिए, यानी कि संविदा कर्मी नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति जब होगी तो उनको अब 17,000 की जगह 19,000 रुपए मिलेंगे। और ये मिशन निदेशक सुधीर कुमार शर्मा की ओर से साइन कॉपी है, 5/5/2023 को जारी हुआ है, 735 इसका डिस्पैच नंबर है, और NHMCSR से जो है ये इशू हुआ है लेटर नियुक्ति नर्स, और क्रमांक F2429 नंबर से लेटर है। आप इसको NIC से भी देख सकते हैं, और नीचे परियोजना निदेशक को भी ये दिया हुआ है, उनके भी यहाँ साइन है। कुल मिला के अच्छी बात है, संविदा नर्सों की जो नियुक्ति होगी अब इसमें नर्सिंग कर्मियों की, उनको 19,000 रुपए सैलरी पर मंथ मिला करेगी, ये एक बहुत अच्छी बात करिए। 2,000 रुपए सरकार ने बढ़ाए हैं। राजस्थान में नियमितीकरण का काफी काम चल रहा है और वो करीब करीब लास्ट फेज में है, लेकिन सरकार ने संविदा कर्मियों को नचा के दर दिया है। जैसे ही फाइलें निदेशालय पहुंचती हैं, फिर एक नया लेटर जारी हो जाता है कि अब ये कागज लेके आओ, फिर दोबारा जब वो कागज वहां पहुंचता है तो दोबारा लेटर जारी होता है कि अब ये कागज और लेके आओ, फिर दोबारा वो जाते हैं तो फिर एक और लेटर जारी होता है ये कागज और लेके आओ। पता नहीं क्या अंधे लोग बैठे हैं या बहरे लोग बैठे हैं जो एक बार में ना तो कुछ समझा पा रहे ना कुछ समझ पा रहे, किस हिसाब से सरकार काम कर रही है या टाइम पास कर रही है कुछ नहीं कह सकते। अगर रियल में सरकार टाइम पास कर रही है तो मान लीजिए पास आउट भी हो जाएगी, और अगर काम रियल में अच्छा कर रही है संविदा कर्मियों के लिए तो रिपीट होने के चांस भी बन सकते हैं, क्योंकि संविदा कर्मी इस बार पूरा मानस आर पार का बना करके बैठे हैं। तो भाइयों, ये सब आपको ध्यान रखना है कि सरकार जैसा करे आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, टिट फॉर टैट ये आपको करना भी चाहिए। तो ये नया लेटर था जिसमें संविदा नर्सिंग कर्मियों की सैलरी 17,000 से बढ़ाकर 19,000 रुपए कर दी गई है, जो मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर ले। छोटा सा लेटर है, लाइन है चार है, लेकिन काम की बहुत जबरदस्त लाइन है, और फिर इसके बाद बाहर ही बाहर है, यानी कि 17,000 से सैलरी बढ़ाकर 19,000 कर दी, 2,000 रुपए पर मंथ का फायदा, सालाना आपको 24,000 का फायदा, और बाकी जो पर्स वगैरह लगेंगे इंक्रीमेंट आपके ईयरली लगेगा वो इसी पर लगेगा। तो कुल मिला के अच्छा खासा बेनिफिट सरकार ने संविदा कर्मियों को दिया है, लेकिन जो नियमितीकरण का काम हो रहा है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया भी था कि रोज की नौटंकी मचा रखी निदेशालय ने, कभी कुछ नहीं है कभी कुछ नहीं है, पता नहीं किस टाइप के वहां बाबू लोग बैठे हैं या अफसर उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मन मर्जी की सी स्थिति हो रही है। लेकिन रियल में अगर सरकार टाइम पास कर रही है तो पास आउट इसको कर देना, और अगर रियल में अच्छा काम कर रही है तो आप भी अच्छा ही करना, ये मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कह देता हूं, क्योंकि जो संविदा कर्मी भाई बहनों का नहीं वो किसी का नहीं। संविदा कर्मी भाई बहनों को ये तय कर लेना चाहिए और स्पष्ट व्यू रखते हुए अपना काम आगे का करना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।